अब देखिए बिहार की अर्थव्यवस्था की बात क्या है और बिहार में कितना जातिवाद है और बिहार की कितना विकास है, ये तो आप हमेशा देखते ही हैं और ज़्यादा बेहतर दिखाने के प्रयास करते हैं सन ऑफ बिहार यानी कि मनीष कश्यप। मनीष कश्यप पर एक ऐसा केस फाइल कर दिया गया जो कि ये तमिलनाडु कांड हुआ था जिसमें ये फाइल कर दिया गया कि मनीष कश्यप ने फर्जी वीडियो बनाया और उस वीडियो को प्रचलित करने लगे और इसकी वजह से उनके घर को कुर्की किए जाने लगा। कुर्की करने का मतलब ये है कि मनीष कश्यप की वजह से जितने भी क्षति हुआ है गवर्नमेंट सरकार को उनके घर पर क्षति पहुंचाया गया और इनको गिरफ्तारी के वारंट भेज दिया गया कि मनीष कश्यप ने गलत रिपोर्ट बताया है। लेकिन मनीष कश्यप के ही साथ क्यों, ये सवाल उठता है ना। मनीष कश्यप हर चीज़ की लाइव रिपोर्ट देते हैं लेकिन ये जो इंसान देख रहे हैं स्क्रीन पर इसका नाम है सुधीर सिंह, ये हमेशा बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। इनको 2000 की नोट में नैनो GPS चिप दिखाई पड़ने लगता है। अब देखिए 2000 की जब नए नोट आए थे तो बड़ी प्रचलन इसका ज़्यादा हुआ था कि इसको 90 फीट अगर आप अंदर भी रख दें जमीन के तप पर भी ये नोट प्रकार इस पैसे को पता लगा सकती हैं कि कहां पर हैं और कितने नीचे गाड़ा गया है, मतलब इसका प्रचलन उस टाइम बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन यही क्वेश्चन KBC में गुड़िया देवी से पूछ दिया गया था। क्वेश्चन क्या है आप भी ज़रा सुन लीजिए। तो गुड्डी जी सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है, ए टाइपराइटर, बी टेलीविजन, सी सैटेलाइट या डी 2000 रुपए का नोट? और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको जरूर ही देखना चाहिए। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा, जरूर ही देखना चाहिए दोस्तों, ताकि ये पता चले कि मनीष कश्यप झूठ दिखाते हैं या फिर ये जितने भी गोदी मीडिया है ये सब झूठा दिखाते हैं लाइव रिपोर्ट। अब देखिए इंटरफेस कुछ ऐसा दिखने को मिला। 2000 रुपए का नोट छोरा। अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया शोर है। देवी जी आपका उत्तर गलत है, सही उत्तर है सी सैटेलाइट। सर आप मजाक कर रहे हैं ना। नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों पूरे इंडिया की बात आई तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोग न्यूज चैनल पर ही रिलाई करते हैं और उनके बात को ही वो समझते हैं और सुनते हैं और वहीं से इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ जाता है दोस्तों कि ऐसे मीडिया को जेल में ले जाना चाहिए और इनके प्रति गिरफ्तारी की वारंट जारी करना चाहिए जो कि सोशल मीडिया में गलत अफवाहों को फैला रहा है। तो अब बिहार के नेताओं को टारगेट है कि सिर्फ मनीष कश्यप ही गलत बोले हैं और मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मोदी जी तो कहते ही हैं झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप किसके सपोर्ट में ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा।